कैटेगरी आईडी जो ड्रॉप डाउन का मेरा नेम है ये वो लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, मैंने अब आपसे ये कहा था कि इमेज की बात करनी है, सही है ना। किसकी बात हो रही है? इमेज की बात हो रही है। तो डॉलर मैं यहाँ पर लिखूंगी, प्रोडक्ट इमेज है मेरे पास फिलहाल, ठीक है। नॉर्मली आप क्या लिखते हो? यही लिखते हो ना, कॉपी करके हमने जो पीछे काम किया था वो हमने यही लिखा था कि भाई हमारे पास जो भी प्रोडक्ट की इमेज है उसका जो भी पाथ होगा वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, यही लिखा था ना। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरे पास चीज है वो इमेज है भी या नहीं। क्या पता किसी ने पीछे डॉक्यूमेंट पिक किया, वो पॉसिबिलिटी है ना, कोई डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, ठीक है, हमें कोई एक्सटेंशन है, क्या चीजें हैं हमें नहीं पता। तो जब हमें चीजों का नहीं पता तो हम उसको सेट कैसे करेंगे पहली बात, ठीक है। तो आपके पास जो भी फॉर्म वगैरह, हमारे पास कुछ भी होता है या हमारे पास जो उसका सोर्स होता है, जब हम इसको पिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे पास जो अपलोड हुआ है वो क्या चीज अपलोड हुई है, ठीक है ना। मतलब जो हमारी फाइल अपलोड हुई है तो वो बेसिकली अब हमारे पास इस पोस्ट का कोई काम नहीं है, इस पोस्ट का मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ डॉलर अंडरस्कोर क्या लगाऊंगी, फाइल लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, फाइल। फाइल में जो मैंने नाम रखा है, और ये फाइल वर्क उस वक्त करेगा जब आप इन टाइप मल्टी पार्ट रखोगे, यानी फॉर्म पर जब मैं ये लगाऊंगी तो फाइल वाला वर्क करेगा, इससे पहले फाइल का काम नहीं होगा, समझ गए। तो यहां पर मैंने ये कहा कि मैंने जो नाम रखा था वो मेरा ये नाम था, कंट्रोल का नाम तो यही है ना। अब मुझे चीज जो चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, फाइल का नेम चेक करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, नेम, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, फाइल का नेम मुझे चेक करना है। टाइप चेक करनी होती तो हम क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेरी नेम चेक करना तो हम क्या लिखते हैं, टेम्परेरी नेम लिखेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पे ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, फाइल प्रोडक्ट इमेज फाइल नेम है, ये क्या है मेरे पास, फाइल नेम है। अब मैं पी हटा दे रही हूँ, सिंपल लिख रही हूँ इमेज फाइल नेम है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास मुझे इसकी टेम्प फाइल भी उठानी है, क्या उठानी है, टेम्परेरी फाइल नेम। तो मैं इस फाइल नेम के साथ TEM लगा दूंगी, P, टेम्प फाइल। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ तो टेम्प फाइल के लिए भी यहाँ पर भी मेरे पास क्या लगेगा, टेम्प लगेगा, TMP लगेगा, यानी TMP अंडरस्कोर नेम। तो इससे क्या उठेगा, जो टेम्परेरी बफर के अंदर जो नेम उठता है ना, ठीक है ना, वो पिक हो जाएगी इससे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा काम हमारे पास ये है कि हम इसके एक्सटेंशन चेक करेंगे, सही है। तो ये पहले करके लिखते जाओ साथ साथ, ताकि कोड बहुत लंबा है, ये मैं बता दूं, ठीक है। तो दो दो लाइन करके लिखते चले जाओ ताकि फिर मैं इसके आगे जो है वो डिफाइन कर दूं। वुमेन कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो वुमेन कैटेगरी के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, सिर्फ शर्ट मौजूद है। तो सिर्फ इसके अंदर जो है, मैं यहाँ पर आकर सिर्फ इधर ही यही फोल्डर उसके उसमें जाके मैं कर सकती हूँ। अगर मैं इन्फेंट्स पे आती हूँ तो इन्फेंट्स के अंदर देखो मेरे पास कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आके किड्स पे आती हूँ तो किड्स के अंदर देखो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है दो चीजें, शर्ट्स है और जीन्स है। तो पर्टिकुलर इनके फोल्डर मेरे पास कहाँ होने चाहिए, बैक पर होने चाहिए, ताकि इसी के फोल्डर के अंदर इनका जो है वो पिक्चर्स वगैरह मेरी अपलोड हो जाए, ठीक है। अब मुझे फोल्डर का पार्ट बताना है जहां मेरे पास पिक्चर होगी, यानी जो भी मेरे पास पिक्चर है वो वहां पे मेरे पास मौजूद होगी। तो मैंने कहा कि मेरे पास डॉलर एक फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आपकी जो पिक्चर है वो, लेट सपोज मैंने कहा डबल डॉट स्लैश जो भी है, आपके पास किसका फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है। इसके बाद मेरे पास फोल्डर का नाम वही होना चाहिए जो कैटेगरी आईडी मेरी यहाँ पर सिलेक्ट है, समझ में आ रही है बात। मुझे कैटेगरी का नेम वही रखना है जो मेरे पास सिलेक्ट हुई हुई, वही मेरे फोल्डर का नाम रखना है, ये बात गौर से सुनो। अब बात आप यहाँ पर चेक करोगे कि इस कैटेगरी के ऊपर कैटेगरी का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर कैटेगरी नेम। अब कैटेगरी नेम उठाने के लिए देखो, कनेक्शन के अंदर मेरे पास एक तो ऑल डाटा है, एक ये है जो क्यूरी दूंगी उसी का रिजल्ट आएगा, सही है ना। तो
तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मैं सिलेक्ट डेटा ही कॉल करा लेती हूँ, ठीक है, जैसे इसका कराया है, इसके अंदर मेरे पास उठकर आएगा तो मेरा डेटा होगा, एक मिनट, डॉलर रिजल्ट कैटेगरी नेम, इसमें उठा रही हूँ, फिर नीचे मैं पिक करके बताऊंगी कि मेरे पास किस तरह आएगा, ठीक है। कैटेगरी नेम इज इक्वल्स टू डॉलर डीबी क्लास, ठीक है, मेथड का नाम क्या है, सिलेक्ट डेटा, और मुझे अब उठाना क्या है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, कौन से टेबल से उठाना है, कैटेगरी के टेबल से, ठीक है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कैटेगरी वेयर, ठीक है, इधर आप देख लेना भाई, यहाँ पे कॉलम कैटेगरी का जो हमारे पास क्या मौजूद है, टेबल मौजूद है, उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी आईडी ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी यही लिखूंगी, वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू ये वाले, ये पूरा, ठीक है ना, ऊपर भी वही लिखी हुई है ना, ये सब कैटेगरी से उठा रहा है, ये अपनी टेबल से उठा रहा है, ठीक है। वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू, अब इसके साथ मेरे पास कैटेगरी का नाम आ जाए, अब कैटेगरी का नाम जो आएगा, सही है, इधर ही इफ लगा के आप चेक कर लोगे, इफ की कंडीशन लगा के आप चेक करोगे कि जो मेरे पास ये डॉलर मेरे पास ये लगा हुआ है, ठीक है, इधर बिलोंग्स टू नंबर ऑफ रॉस, क्या है मेरे पास, क्या है नंबर ऑफ रॉस, ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, जैसे हम यहां नीचे लगा के चेक करते, ठीक है। अब वहां आप वाइल लगाते हो, इसके लिए लगाते हैं ना हम ये फैच के लिए, ठीक है, तो मुझे ये काम फैच में वाइल में नहीं रखना, डायरेक्टली रखना है, तो डायरेक्टली रखने के लिए मैं इसके अंदर यहां पर एक वेरिएबल बना रही हूं, डॉलर रॉ सी नेम, ये मेरे पास बराबर किसके है, डॉलर आर ई एस रिजल्ट कैटेगरी नेम बिलोंग्स टू फैच एसोसिएशन, ये सिंगल वैल्यू के लिए होता है, ठीक है, जो भी आपको उठानी है, मतलब सिंगल रॉ के लिए होता है। अब मैं यहां पर अपना डिफाइन करूंगी कि मेरे पास जो कैटेगरी नेम है वो किसके बराबर है, वो मैंने यहां लिखा डॉलर रॉ नेम सी नेम जो भी है ये लिखा, और यहां पर कॉलम का नाम लिखेंगे कैटेगरी नेम, यहां लिखा कैटेगरी नेम, अब वो कैटेगरी नेम उठकर कहां आ गया आपके पास, इसमें आ गया, ये जो कैटेगरी का नेम है ये मेरे पास यहां पर कॉनकैटिनेट हो जाएगा किसके साथ, डॉट डॉलर कैटेगरी नेम के साथ, डॉट कोटेशन स्लैश, इसके बाद मेरे पास फाइल का नाम आना चाहिए। अभी मैं सब कैटेगरी के उसमें नहीं जा रही, अगर मैं सब कैटेगरी के उसमें जाऊंगी तो मुझे सब कैटेगरी का भी इसी तरीके से फैच करना होगा, जो यहाँ सेलेक्ट करी होगी यहीं पे क्यूरी लगा, सेम पैटर्न है, समझ में आ रही है बात, कि शर्ट है शूज है जो भी है वो फिर क्यूरी यहाँ लगेगी इसी तरह जैसे मैंने ये यहाँ पर लगाई है, सही है। और सब कैटेगरी की ये होगा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सब कैटेगरी वेयर सब कैटेगरी आई डी इज इक्वल टू, समझ में आई बात, तो ये उस तरह लगे। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट डाल रही हूँ, वो वाली भी बता दूंगी। अब यहाँ पर अब हमारे पास देखो पिक्चर का नाम रखना है, हमारे पास क्या है यहाँ इमेज फाइल है, क्या है मेरे पास यहाँ इमेज फाइल है, तो मैंने यहाँ डॉट डाला और लिखा इमेज फाइल डॉलर के साथ लिखना, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया टर्मिनेट, ये मेरे पास पूरा पाथ बन गया, इमेज के अंदर कैटेगरी का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपने क्या रखनी है, अपनी क्या रखनी है, इमेज रखनी है, बात समझ में आई यहां तक, सही है। अच्छा, इसके बाद यहां पर अब आपका जो काम है वो मूव कराना है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मूव कराना है,
जो भी पिक्चर आपने सिलेक्ट करी हुई है, सही है, इंसर्ट बाद में कराएंगे, पहले हमें कहाँ रखना है, इस फोल्डर के अंदर रखना है पिक्चर को, ठीक है। तो इधर मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट के कोड से पहले यहाँ मैं लगाऊंगी इफ की कंडीशन। क्या लगाऊंगी मैं? इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन में ऐसा कोई खास है नहीं, ठीक है, आपके पास बना बनाया एक मेथड है मूव अपलोड फाइल का, ये आ रहा है नजर, ठीक है। इसके अंदर आपको दो चीजें पास करनी होती है, क्या? दो पैरामीटर है, एक तो मेरे पास क्या है, मेरा टेम फाइल नेम, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो पर्टिकुलर फोल्डर है, ठीक है, वो क्या है, मेरे पास डॉलर फोल्डर, ये रहा, सही है, बात समझ में आई, ये वाला मेरा फोल्डर है, क्लियर है। अच्छा, डेटाबेस में जो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, वो मैं डॉट डॉट करके ही इंसर्ट कराऊंगी, जो मेरा पूरा ये वाला पाथ है, अगर मैं डॉट डॉट करके इंसर्ट कराती हूं तो, सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी देख लेंगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगेगी तो हम चेंज कर लेंगे, वरना हमारे पास इस तरह रूट के उसमें जाकर हम इस तरह इसको करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा कि मूव फाइल करनी है, कहाँ करनी है, इधर करनी है, सही है, बात समझ में आई। मूव कहाँ करनी है फाइल, मैंने इफ की कंडीशन में रखा है। अगर ये मूव हो जाता है तो मेरे पास अलर्ट आ सकता है, इको आ सकता है कि अपलोडेड हो गई है, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो सकता है, अगर अपलोड होगी, ठीक है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, सही है, ये भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको इफ के ब्लॉक से बाहर रखोगे तो बेटर डायरेक्टली इस तरह कॉल करा देना, तो ये डायरेक्टली भी इस तरह चल जाएगी, सही है, बात समझ में आई, इस तरह इसको पहले यहां तक कर लो। ये मैंने मूव वाला काम किया है, अभी जो मेरे पास ये इंसर्ट वाला काम है ना, इसको मैं अभी कमेंट कर रही हूँ और कमेंट करके चेक कर रही हूँ मेरी पिक्चर अपलोड हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आए इधर, सही है, चूज फाइल, कोई भी पिक्चर मैंने सेलेक्ट करी, ओपन कर दी, ठीक है, नाम मैंने ऐसे लिख दिया एबीसी, प्राइस लिख दिए, क्वांटिटी लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, अभी ऐसे ही है, फेक है हमारे पास, एक मिनट, हाँ ये वो उससे होगा, प्राइस है, क्वांटिटी है, इसको नहीं करना, शूज शर्ट जो भी है, इंसर्ट रिकॉर्ड, अच्छा अब ये दे रहा है, इसको रिकॉर्ड डजंट मैच द वैल्यू, काउंट रॉ वन, ओके, इंसर्ट इनटू क्यूरी, कमेंट टू की हुई है मैंने, सेव नहीं किया क्या, किस पे आ रहा है, तो ये है ना, यहाँ पे दे रहा है ना, इसके 29 पे क्या है,